आज की टॉप डिफेंस अपडेट, भारत की एरोस्पेस कैपेबिलिटी को आगे बढ़ाने की दिशा में तेजस मार्क 1A के लिए नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है। तेजस मार्क 1A में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक पायलट सिस्टम सहित अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाएगा। भारतीय सेना अभ्यास में भाग लेने के लिए अपने इन सर्विस BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को रात में लड़ने की क्षमता में सुधार करने के लिए TI बेस्ड DNS यानी कि थर्मल इमेजर बेस्ड ड्राइवर नाइट साइट से लेस करना चाहती है, जिसे पश्चिमी बॉर्डर और उत्तरी बॉर्डर में तैनात किया जाएगा। भारतीय सेना ने लखनऊ में अर्धा नामक एक नए टैंक कॉन्सेप्ट का शोकेस किया है। इसे DRDO और भारतीय सेना द्वारा जॉइंटली डेवलप किया गया है, जिसे टैंक T-72 के हल को T-90 टर्रेट के साथ जोड़कर एक नया टैंक क्रिएट किया है। अर्धा का वजन 45.8 टन है और यह T-90 टैंक से हल्का है लेकिन T-72 से भारी है। हाइब्रिड टैंक V-92H2 हाई पावर मल्टीफ्यूल इंजन द्वारा संचालित है, जो 1000 HP का दावा करता है। यह हाइब्रिड टैंक T-72 की तुलना में अधिक मारक क्षमता का दावा करता है। इसे DRDO द्वारा विकसित एक एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर यानी कि RA के साथ भी मजबूत किया है। काफी चिंताजनक महीनों के इंतजार के बाद भारत इस साल के अंत तक अपने स्वदेशी तेजस लड़ाकू जेट के लिए F-404JEIN-20 इंजन की डिलीवरी प्राप्त करने के लिए तैयार है। जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के CEO एमी गोडवार ने बताया कि 18 महीने बाद प्रोडक्शन शुरू हुई है, जिसके कारण देरी का सामना करना पड़ा। F-404 इंजन तेजस मार्क 1A वेरिएंट का दिल है और इंजन के आने का मतलब है कि उत्पादन पूरी गति के साथ फिर से शुरू हो सकता है। भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए JEE को प्रत्येक वर्ष 20 इंजन सप्लाई करनी पड़ेगी। भारतीय नौसेना ने अपने पहले स्वदेशी निर्मित दृष्टि 10 स्टार लाइनर अर्मेंड एरियल व्हीकल के साथ उड़ान भरी। यह मुख्य रूप से एंटी पायरेसी और समुद्री मिशनों में काफी कारगर साबित होने वाली है। दृष्टि 10 स्टार लाइनर UAV एक एडवांस ISR है, यानी कि इंटेलिजेंस सर्विलियंस एंड रिकॉग्नाइजेशन प्लेटफॉर्म है, जिसे अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। यह 36 घंटे की इंड्योरेंस और 450 kg की पेलोड क्षमता का वादा करता है। UAV को हैदराबाद से पोरबंदर तक ले जाने की तैयारी है, जहां इसे ऑफिशियली नौसेना के समुद्री अभियानों में शामिल किया जाएगा। निकॉय आइलैंड में मिलिट्री एल्फिड बनाने से 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा को बाहरी खतरे से बचाने में मदद करेगी। इसके साथ इंडियन आर्म फोर्स को हिंद महासागर क्षेत्र में अधिक ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, क्योंकि चीनी उद्भूत अदन की खाड़ी में एंटी पायरेसी फोर्स में भाग लेने के लिए इस क्षेत्र में लगातार हमले कर रहा है, जिसे चीनी उद्भूतों पर भी नजर रखी जा सकती है। नेवी चीफ एडमिरल हरि कुमार ने कहा कि भारतीय नौसेना समुद्री डाकुओं को दूर रखने और उन्हें अपने ही जल क्षेत्र में सीमित रखने के लिए सक्रिय रूप से अपने बेड़े को तैनात कर रही है। नौसेना के लिए अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा स्वदेशी दृष्टि 10 स्टार लाइनर UAV इसमें काफी कारगर साबित होगी। 12 जनवरी 2024 को भारतीय नौसेना की 3 प्राउड शिप INS चीता, INS गुलदार और INS कुंभीर को विदाई देने की तैयारी की जा रही है, जो 40 वर्षों तक तूफानों का सामना किया और राष्ट्र की रक्षा किया। अंडमान और निकोबार कमांड का हिस्सा ये जहाज भारत के पूर्वी जल क्षेत्र के साइलेंट पहरेदार रहे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें, बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।